मैंने एक लड़की देखी है। शादी के लिए? जाहिर है, बिना वजह क्यों देखूंगा। आप उसके घर रिश्ता लेके जाइए। तो ये अनमोल नहीं है, मैं सोच ही रही थी ये तो अभी बहुत छोटी है। लड़कियों को कच्ची उम्र में नहीं ब्याहना चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। वैसे अम्मी, मैं कह रही थी कि आप डेट फिक्स करने में तो जल्दी ना करें, देखभाल लें, थोड़ा सा वक्त ले लें, क्या पता दूसरा रिश्ता ज्यादा अच्छा हो। अरे चल बकवास ना कर, शुरुआत में जुबान देकर मुकरा नहीं जाता। पहले खा ले, बाद में भूख उड़ने ही वाली। मतलब लड़की गई, निकल गई हाथ से। आज रात उसकी शादी की तारीख तय हो रही है। जानते हो किसी के घर में घुसकर ऐसी हरकत करने वाले पर कौन सी दफा नाफिज होती है? मुसलसल 5 मिनट किसी की आंखों में आंखें डालकर उसके सब्र का इम्तिहान लेने वालों पर भी कोई दफा नाफिज होती है या नहीं? अम्मा, रात को मोहित से बात हुई थी? मैं जल्दी सो गई, पता नहीं क्या करके आया होगा। रात किस वक्त आया था मोहित घर पे? जी यही कोई 2-2.5 बज रहे थे। रोटी खाई उसने या चाय पानी सिर्फ? हाँ जी सब कुछ, पहले खाना फिर चाय। जब अपने कमरे में गया तो दरवाजा जोर से बंद किया, ठोकर मार के? नहीं जी, मेरे ख्याल से तो आराम से ही चले गए थे। मैंने कहा था ना तुझे, वो उसकी शादी नहीं होने देगा किसी और से। अम्मी अब रो क्यों रही हैं? अच्छा भला रिश्ता होते होते हाथ से निकल गया। आपको तो आदत है हर बात पर अल्लाह की मसलहत का पर्दा डाल देने की, अब भी वही कर लें। सोच रही हूँ फोन करके उन लोगों को वजाहत कर लूँ। कोई जरूरत नहीं है, और अब क्या फायदा? उस वक्त तो ना खुद कुछ बोली ना मुझे कुछ बोलने दिया। क्या बोलती, क्या बताती उन्हें? वो तो गनीमत है कि वो अनस समझ के उसे बर्दाश्त करते रहे। क्या कहती है अपने मुँह से कि हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये कोई गुंडा है जो धौंस जमा रहा है। अच्छा ही हुआ चुप रही मैं, वरना जो रात बकवास हमारे साथ करके गया था उनके सामने कर देता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। अम्मी एक तो आपकी इज्जत और खौफ इतनी नाजुक चीजें हैं कि जरा जरा सी बात पर खतरे में पड़ जाती हैं। अहमक लड़की, इज्जत से ज्यादा नाजुक चीज और कोई नहीं होती। क्या बताती उन्हें कि तेरे आशिक घर तक चले आते हैं? वो तो अच्छा हुआ मैंने रात को बात दबा ली, मगर अब क्या होगा? होना क्या है, पत्थर से सर मार रहा है वो। पत्थर का कुछ नहीं होना, अपने सर की खैर मनाए वो। ये तेरी हद से बड़ी हुई खुद एतमादी जो है ना, खुदा ना खास्ता किस दिन नुकसान पहुंचाएगी। मोहतात रहा कर तू। अरे मैं तो कहती हूँ मोहल्ला क्या शहर ही छोड़ जाते हैं, कहाँ ढूंढता फिरेगा हमें। ओहो अम्मी, जरा जरा सी बात पर ना फिल्मी ना हो जाया करें। अब क्या हम उस मामूली से टपोरी गुंडे की वजह से अपना ठिकाना बदलते फिरे? आप बेफिक्र रहें, 2-4 दिन में उसके दिल का ठिकाना बदल जाएगा, किसी और पर आशिक हो जाएगा। चले मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, आशीर्वाद दें। चल पागल ठीक ओके अल्लाह हाफिज़। लो बेटा। थैंक यू। सॉरी आंटी, मैं कल आ नहीं सका। दरअसल आंटी गर्मी बड़ी थी और आप तो जानती हैं मैं गर्मी में बाहर निकलूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना। हाँ मुझे अंदाजा है, बस मैं तुम्हें कभी तकलीफ ना देती अगर बात
इतनी अहम ना होती तो। क्या बना आंटी फिर? हो गई डेट फिक्स? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अनमोल की शादी भी हो सकती है। हाँ, बहुत मुश्किल से मानी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन शेरदिल मुजाहिद है जो अनमोल से शादी करने पे माना है? रास्ता तो साफ हुआ, अब मोहतरमा जाएंगी तो मेरी फाइल ऊपर आएगी। और वैसे भी आंटी, अम्मी ने भी ये पैगाम भिजवाया कि हो सके तो दोनों की शादी इकट्ठी कर दें। आज भी घर पर नहीं है, आज तो इसे होना चाहिए था ना, कम से कम अपने बचपन के दोस्त की खातिर नहीं तो अपने होने वाले बहनोई के इस्तकबाल के लिए सही। क्या हुआ आंटी, खैरियत तो है? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है बिल्कुल। तुम कुछ खाओगे? जी जरूर, आप तो जानती हैं मैं सफर में कुछ नहीं खाता, बाहर का खाना हाइजेनिक नहीं होता ना, और अगर मैं बाहर का खा लूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं, क्या उन लोगों ने डिमांड्स वगैरह कुछ ज्यादा कर दी है? नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई, बस बात नहीं बनी। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, अनमोल का नसीब कहीं और होगा शायद। क्या है? बहुत कुछ। जो कहना है जल्दी कहो, आखिरी बार कॉल रिसीव कर रही हूं तुम्हारी। जिंदगी भर की बातें दो घड़ी में तो नहीं हो सकती ना, मिलना है तुमसे। ओह, तो तुम्हें खुशफहमी है कि जब भी मिलने के लिए बुलाओगे मुंह उठा के दौड़े दौड़े चली आऊंगी। ओके, तो मैं पिक कर लेता हूँ। शुक्र मना रही थी कि वो हिस्ट्री सेक्शन वाला नहीं टपका, ये साहब आ गए मुंह का जायका खराब करने। तुम फिर? अगर कॉल रिसीव नहीं करोगे तो बात करने तो खुद ही आना पड़ेगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ठीक है, मेरी सुन लो सिर्फ। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ। मेरे साथ आज तक कोई जबरदस्ती नहीं कर सका और ना ही मुझसे कोई बात मनवा सका जिसमें मैं राजी ना हूँ। मैं बहुत टेढ़ी हूँ मिस्टर, और बहुत खतरनाक भी। किस बात के मजे आ रहे? अरे नहीं, चुप क्यों गई, बताओ ना अपने बारे में। दो लोग अगर एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाएं तो अच्छा होता है। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं पूरे होशो आवास में तुम्हें पोस्ट कर रहा हूं। और मैं भी बकायमी होशो आवास में तुम्हें इनकार कर रही हूं। बस हो गया, पड़ गई ठंडक, अब जान बख्शो मेरी। और खबरदार जो दोबारा इस तरह मेरे रास्ते में आने की या इस किस्म की कोई भी हरकत करने की कोशिश की जो तुमने उस दिन मेरे घर पे की। नहीं करूंगा, अगर नौबत ना आई तो। मतलब जब कभी मेरी शादी की बात चलेगी तुम यूं ही टांग अड़ाओगे? हाँ। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? तुम देखो, ये मेरी जिंदगी है, मेरा दिल है, इस पर तुम अपनी नहीं चला सकते। तुम क्यों मेरे दिल पे अपनी चला रही हो? मेरे दिल पे भी सिवाय मेरे किसी और का राज नहीं था तुमसे मिलने से पहले। यार मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था कि दोनों की शादी इकट्ठे ही हो जाए, लेकिन अनमोल का मामला फिर से अटक गया।
अगर आपका दिल कर रहा है तो कर लें शादी। अनमोल से पहले कैसे कर लूँ? हो सकती है अगर आप कहें तो। तुम ये चाहती हो? नहीं, just saying। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट बात करें, मुझसे क्यों कह रहे हैं? अनमोल से? नो वे, उसे बात करने का मतलब अपनी शामत लाना है। वो आपकी दोस्त है, उनसे डरते क्यों हैं? यार बचपन की दोस्त के साथ साथ वो मेरी बड़ी साली भी है और सुसाली से थोड़ा डर के रहना पड़ता है भाई। इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे डरने का बहाना आपके पास ना? अनस तुम कैसे हो? I'm good, I'm good। अगर खाना भी ढूंढना शुरू कर दिया तुमने, हाँ अभी नहीं खाया वो? हाँ ये तो ऐसे ही रखा है ना। वही मैं कहूँ दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? कोई जरूरत नहीं अनस से बात करने की, अपना मुंह बंद रखना। मगर क्यों अम्मी? तुम होने वाले दामाद को मजे ले लेकर बताएं कि तेरा एक सरफेरा आशिक है जो घर तक आकर तेरे हर आने वाले रिश्ते को रोक देता है। कौन से रिश्तों को? एक बार उसका दाव चल गया, आइंदा हिम्मत तो करके देखे। जुबैदा का फोन आया था, वो रिश्ते कराने वाली जिसकी वजह से सुहेल से रिश्ता हो रहा था तेरा। मैंने किसी रिश्ते की बात की तो कहने लगी आप उसी शख्स से क्यों नहीं अपनी बेटी का रिश्ता करा देती, और तो कहीं वो होने नहीं देगा। क्यों, ये जुबैदा आपा को क्या इल्हाम हुआ है? कोई इल्हाम नहीं हुआ, मोहित ने धमकी दी है कि घर तक तो क्या मोहल्ले तक भी तेरा कोई रिश्ता नहीं आ सकता। क्या अजीब दादागिरी है, चाहता क्या ये शख्स? बच्ची नहीं है तो मेरे मुंह से सुनना चाहती है? बस अब याद रखना अनस से कोई बात नहीं करनी, वो पेट का बहुत हल्का है, अपनी माँ से बात करेगा तो अच्छी तरह जानती है कैसे बात बनेगी और कैसे बिगड़ेगी। पका मुझे। सीधा कर सर, ये वाह बाल हैं कि जंजाल। नजर लगाएंगे हम? माँ की नजर लगती है भला। अच्छा बता कैसी दिखती है वो? कौन? वो ये क्या नाम था उसका, हाँ नायाब। नायाब तो वो होता है अम्मा जिसे पाया ना जा सके, वो नायाब नहीं है मेरे लिए, अनमोल है बस। वो ही नजर कैसी आती है? नजर ही तो नहीं आती, छुप जाती है वो। नंगोरा है ना, 10 लड़कियों में बैठी हुई अलग नजर आनी चाहिए, सामनी तो नहीं? पता नहीं, तो ये भी नहीं जानता कि रंग गोरा है या सामला? ए? बस उजला है। गोरा ही हुआ ना। आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी है ना, नाक मोटा ना हो, औरत भद्दी लगती है। मैंने कभी गौर नहीं किया अम्मा उसके नाक और आंखों के साइज पे। पर्दा करती है क्या? भूरी आंखें तो नहीं है? जो भूरी आंखों वाली होती है ना, ये एक मर्द की होके नहीं रहती। मैं एक बार से मेरा हो जाने दो बस, फिर कहीं नहीं जाती है। वाह वाकई, देखते हैं। कहाँ थी आप? आप जानती है ना आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती। इतने दिनों बाद मिली हूँ उससे, गपशप लगा रही थी, तुम भी आ जाती? नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं कबाब में हड्डी बनने की। आप लोग अपनी बचपन की कॉलेज लाइफ की बातें दोहराते रहते हैं। तुम आ जाती तो शायद हड्डी मैं बनती। अम्मी ने आपसे कहा भी था कि उन्हें रात रुकने का मत कह, मगर आप बात ही नहीं सुनती।
मैंने कब कहा रुकने का, उसका खुद ही दिल नहीं चाह रहा था। शायद तुम्हारी वजह से। जी नहीं, मेरी वजह से कोई नहीं। एक तरफ के सफर से निढाल हो गए होंगे, मासूफ नाजुक मिजाज। अब देखिएगा, हिम्मत करके दो चार दिन बाद निकलेंगे। हाँ, कह रहा था कि उसे सनबर्न हो गया। अम्मी का कहना है कि उनके रात रुकने पर लोग बातें बनाएंगे। अभी सिर्फ मंगनी हुई है, मुनासिब नहीं लगता। ओफ, वो अम्मी और उनकी हिदायतें। अच्छा बाबा, कल खुद जाकर उसे ट्रेन पर सवार कराऊंगी। मेरी कभी नहीं टालता वो। मुझे तो लगता है आपने मेरी मंगनी उसकी इसी ताबीदारी से खुश होके करवाई। तुम नहीं समझोगी मिशार, हम तीन अकेली औरतें हैं। अगर कोई चालाक सा मर्द इस खानदान का हिस्सा बनेगा तो वो हमें दबाने और खामखा हमारे सर पर सवार होने की कोशिश करेगा। अनस सीधा सादा है वो तो। हाँ, दबेगा नहीं, उल्टा दब जाएगा। गुड कन्या, तुम तो अंतर्यामी हो, सब समझ जाती हो। चलो अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। सो जाओ। कॉलेज नहीं गई तू विशाल? मूड नहीं था मेरा। मूड नहीं था? अनमोल खफा हो रही थी मुझसे, कह रही थी बहुत ढील दे रखी है आपने, पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं तेरी। क्या बात है, कल से मुंह क्यों फुलाए हुए तू? हरकतें देखी आपने उसकी? किसकी, अनमोल की? नहीं, उनके चहीते अनस की। जो तो देख देख के ताव आता है। एक आदमी इतना काट का उल्लू कैसे हो सकता है? वो बेचारा सादा सा है, चलाकी वाला की नहीं है उसमें। चलाकी की नहीं, अकल की कमी है उसमें। और पता नहीं यही बात उसकी आपको और आपी को क्यों भाती है। शौहर सीधे सादे काट के उल्लू ही भले होते हैं, वरना तिगनी का नाश नचा दे। ये अखबारें जरी भी आपकी बड़ी साहबजादी का है। यही खूबी अनस की भाती है, आखिर वो क्यों नहीं कर लेती शादी? अरे पागल हो गई, चल मुंह हाथ धो के आने से जल्दी से। मोहित भाई, आपकी पसंद का भी क्या कहना, नजर भी टिकी तो कहां जाके, दिल भी लगाया तो ऐसी जबरदस्त जगह कि वाह। मतलब मोहित भाई, भाभी बिल्कुल ऐसी है जैसे 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 घर का खाना माँ के हाथ का बना हुआ। गोभी गोश्त, देसी घी में बने हुए पराठे। क्या बकवास कर रहे हो, गोभी गोश्त? कसम से मोहित भाई, जैसे माँ के हाथ का बना हुआ गोभी गोश्त और देसी घी में बने हुए बल वाले पराठों का कोई मुकाबला नहीं है ना, ऐसे भाभी का भी कोई जोड़ नहीं है, कसम से। ये एस्ट्रे पे इतना जुल्म क्यों मोहित भाई? इसे बदहजमी हो जाएगी, इसे खाली करके आओ। तो कुछ देर चुप नहीं रह सकता क्या? मसला क्या है मुझ भाई? गोभी गोश्त। गोभी गोश्त? हेलो। कभी भी मेरी कॉल रिसीव ना करने का वादा किया था तुमने, लेकिन कर ली। यानी अपनी कही भी बाकी बातों से भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी जाओ, जिद करना वैसे भी अच्छी आदत नहीं। काश कि तुम में भी कोई अच्छी आदतें होती। बहुत है, अभी तुमने मुझे जाना ही कहा है। आओ मुझे दरियाफ्त करो,
अच्छा लगा तो फतह कर ले और अगर ना अच्छे लगे तो यार कमाल बना लेना। अगर इसका फैसला करने के लिए हमारा एक बार मिलना बहुत जरूरी है। एक बार? हाँ एक बार फिलहाल। ठीक है, मुझे भी लगता है कि एक बार मिलकर साफ साफ बात कर ही लेनी चाहिए। जगह बताओ कहाँ आना है। कहीं भी, उस जगह को नाम मैं तुम्हारे आने के बाद दूंगा, यादगार। तो मैंने तुम्हारी आंखों में आज तक वो चीज ही नहीं देखी जिसे चाहत कहते हो, ना मेरे लिए और ना ही किसी और के। चलो पसंद करती हूँ तो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। इससे ज्यादा अजीब जगह नहीं मिली तुम्हें? तुम डर लग रहा है। डर मेरे लिए गाली है और मैं गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ बताती हो हर बार। एक बात और बताऊं अपने बारे में। मेरी अम्मी कहती है कि मैं चिकना खड़ा हूं, मुझ पर असर नहीं होता किसी बात का, इसलिए बेकार की कोशिशें करना बंद कर दो। वो और लड़कियां होती हैं जो ऐसी हरकतों पर दिल हार बैठती हैं। और लड़कियों से तो मेरा कोई मतलब नहीं और कोशिश मैंने अब तक की नहीं। जब मैं शुरू करूंगा तो फिर पता लगेगा कि असर कब तक नहीं होता। हो, मेरा दिल ना हुआ सोमनाथ का मंदिर हो गया जिस पर 17 हमले करोगे तो। हाँ 17 हमले, और याद रखना 17वें हमले में सारे बुत पाश पाश हो गए और मेरा तो नाम ही मोहित है। मोहित बुत शिकन होता। चमचा भी हांडी से कभी कभी अलग हो जाता है और तू मोहित का चमचा नहीं साया है, फिर भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता। माँ जी कसम से मुझे कुछ नहीं पता। माँ जी कुरान उठवा लीजिए मुझसे, मुझे कुछ नहीं पता। शकल पे क्या पहले ही लानत कम बरस रही है जो झूठा कुरान भी उठवा लूं? सच बता बता, कहां मिली उसे वो लड़की, कैसे टकराई, है कैसी वो? बड़ी तेज होगी अम्मा जो मोहित भाई को फंसा लिया, वरना वो तो किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखते। नहीं नहीं आपा, भाभी ऐसी नहीं है। माँ जी भाभी तो वाह, तेरी भाभी भी बन गई, फिर भी कह रहे मैं कुछ नहीं जानता। माँ जी भाभी तो बस वो इज्जत से कहता हूँ ना। तो पता लगे ना कि बन्नो इज्जत के काबिल हैं भी या नहीं। देखा है मैंने घर बार, सफेद पोश से लोग हैं, माँ तो हवनक और बावली सी है, लेकिन लड़की नौकरी करती है, जरूर पर पुर्जे निकाले होंगे, इसीलिए कह रही हूँ। जा खबर ला, आस पड़ोस के लोगों से पूछ कैसे लोग हैं। इतने अरसे से मर्द के बगैर रह रही हैं अम्मा, अगर पड़ोसी शराफत की गारंटी देते हैं तो फिर ठीक है, वरना मैं अपने भाई को घाटे का सौदा नहीं करने दूँ। सौदा तो वो कर बैठे आपा, दिल का सौदा। अब दिल के सौदे में घाटा या मुनाफा कहाँ देखा जाता है माँ जी। क्यों बक बक बंद कर, मैंने तुझे ये घटिया फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए नहीं कहा, जो कहा है ना वो कर जाके। जा खबर ला उसकी और मोहित को भिनक भी ना पड़े, वरना याद रखना मैं मोहित की भी माँ हूँ। जा अनमोल, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर? और इसमें मेरा क्या कसूर अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं? नहीं हुई तो कर लो। मोहब्बत के करने में और मोहब्बत के होने में बहुत फर्क है। उतना ही फर्क है
جتنا تباہی بہت مرنے میں اور خودکشی کر کے مرنے میں. بات تو ایک ہی ہے. آخر تم. لیکن محبت بار بار نہیں ہوتی. اگر میں کہوں کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں تو تمہیں نہیں مانوں گا. میں نے تمہاری آنکھوں میں آج تک وہ چیز ہی نہیں دیکھی جسے چاہت کہتے ہیں. نہ میرے لیے اور نہ ہی کسی اور کے. چلو پسند کرتی ہوں تو پھر تو تم ہٹ جاؤ گے نا ہمارے درمیان سے. نہیں, میں اسے درمیان سے نکال دوں گا. کتنے ڈھیٹ انسان ہو تم. غلطی میری ہے جو تم سے بات کرنے کے لیے یہاں چلی آئی. تم جیسے انسان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا کہ میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس پر تمہیں ترجیح دوں. اس لیے بند کرو یہ ڈرامہ. ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں. سنا تم؟ السلام علیکم خالہ. وعلیکم السلام. کون خالہ؟ دراصل مجھے نا اس محلے میں ایک مکان کرائے کے لیے چاہیے تھا. وہ اخبار میں اشتہار پڑا تو آ گیا. ہم نے تو کوئی اشتہار نہیں دیا. نہیں نہیں نہیں, آپ نہیں, وہ سامنے والے دروازے والا جو گھر ہے ان لوگوں نے اشتہار دیا تھا, اس لیے آیا ہوں. تو کیا یہ لوگ مکان کرائے پہ دے کے جا رہے؟ مکان تو بہت تنازع والا ہے. اچھا, بس یہی پتا کرنا تھا. گول گپے کھائیں گے آپ چاچا؟ دو پلیٹ گول گپے اسپیشل قسم کے. دو خالہ کو. شکریہ شکریہ, بہت شکریہ. خالہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ مطلب محلے میں صاحب کیسے ہیں؟ نہیں, بہت شریف ماں بیٹیاں ہیں, عورت بیوہ ہے, یتیم بچیاں ہیں, سالوں سے رہ رہی ہیں, کبھی کسی کو ٹکے کی شکایت نہیں ہوئی. اچھا, زبردست. خدا حافظ خالہ, یہ گیٹ بند کر لیں. یہ کون ہے؟ یہ ان کا ہونے والا داماد ہے. داماد ہونے والا؟ ہاں, بیٹی کی منگنی طے ہے اس سے, آج سے نہیں, دو ڈھائی سال سے. یہ تو انمول کے ساتھ پڑھتا تھا نا. سنا ہے انمول کا بچپن کا دوست ہے. اتنی لمبی منگنیاں نہیں رکھنا چاہیے. میں آج کل میں جاؤں گی اور انمول کی اماں سے کہوں گی شادی کا سوچے. اچھا بیٹا, خدا حافظ. خدا حافظ. دستگیر آج تجھے ستاروں کی روشنی کچھ زیادہ محسوس نہیں ہو رہی؟ رات کی رانی کی خوشبو بھی آج ہمیشہ سے بڑھ کے. جانتا ہے ایسا کیوں ہے؟ آج وہ آئی تھی. کون؟ بھابھی؟ یہاں اکیلی؟ اکیلی نہیں تھی, بہت سے ستارے, جگنو, بہت سے رنگ, بہت سی تتلیاں تھیں اس کے ساتھ, اکیلی نہیں تھی وہ. بھائی معاف کیجیے گا لیکن آپ کی ذہنی حالت. نہیں, وہ میرا مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے جوانی میں ہر کسی کا دل ایک آدھ دفعہ لڑک کے ادھر ادھر,
لیکن گستاخی معاف، مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ دل کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی. محبت میں اگر انسان کی مت نہ ماری جائے نا، سمجھو اسے محبت نہیں، وہم ہوا. وہم نہیں، غلط فہمی ہوئی آپ کو، بلکہ غلط فہمی نہیں، خوش فہمی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ محید بھائی بھابھی کسی اور کی بھابھی، میرا مطلب ہے کسی اور کی ہونے جا رہی ہے. اس نے سب باتیں مجھے ٹالنے کے لیے کی ہیں. اس کی زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے میرے علاوہ. میں نے جب اس کی بات پہ یقین نہیں کیا تو تیری بات کیسے مان لوں؟ محید بھائی ان کے منگیتر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں میں. محلے والوں نے مجھے بتایا کہ بچپن کی دوستی تھی، منگنی اب شادی کے رشتے میں بدلنے والی ہے. موسم خراب ہے، اوپر سے رات کا سفر. اوہو، اب تم نئے نئے بہانے نہ ڈھونڈو سسرال میں ڈیرے جمانے کے. کچھ نہیں ہوتا بارش میں رات کا سفر کرنے سے اچھا. کھانا پیک کر رہی ہوں بیٹا میں، لے جانا تاکہ باہر کا کھانا نہ کھانا پڑے. اوفو امی، آدھی رات کو کون سی بھوک لگنی ہے اسے، ابھی تو بیٹھ کے ٹھوسا ہے. کتنی بار کہا ہے میرے نوالے نہ گنا کرو. اب میرا خون ہلکا ہے آنٹی، اور آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ جان چھوٹے اس سے. آنٹی مجھے پورا پورا یقین ہے، اچھے والے رشتوں میں نقص یہی نکالتی ہوگی، تبھی تو اس کا رشتہ طے نہیں ہو پا رہا. نقص میں نے نہیں، میرے عاشق کے نامدار نے نکالے. کیا؟ کون سا دمدار؟ عاشق کے نامدار، بلکہ عاشق کے نامراد. ارے بیٹا اس کی باتوں پہ دھیان نہ دو، یہ تو ایسی بکواس کرتی رہتی ہے. تم جلدی چلو، دیر ہو رہی تمہیں. ہاں جلدی جاؤ، بارش تیز ہو گئی تو پگھل جاؤ گے بھیگ کر. سالی چلو نا، دیر ہو رہی بیٹا، یہ لو میرا بچہ. اللہ حافظ آنٹی، اللہ حافظ. جائیے اللہ حافظ. ارے کس طرح شروع ہو جاتی ہے، میں اٹھا لوں گی آپ کو. چل گیا لیا. کب تک چپکی رہے گی وہاں کھڑکی کے ساتھ؟ میرا تو دل ہول رہا ہے ان گرج چمک کی آوازوں سے. بند کر دے، آ جا. اور میرا دل گھبرا رہا ہے اس بند کمرے میں. بارش دن میں ہونی چاہیے، رات میں مجھے چھت پہ سونا ہوتا ہے. مجھے تو انس کی فکر ہو رہی ہے، خیر سے پہنچ جائے خدا کرے. مجھے بھی فکر ہو رہی ہے کہ آدھے راستے واپس ہی نہ آ جائے، کہ بارش ہو رہی ہے میں نہیں جاتا. کیا سوچ رہی ہیں امی؟ رہ رہ کی فکر ہو رہی ہے. اس کی فکر کرنے کا تو اس کی ماں ہے، خیر سے مجھے تو تیری فکر ہو رہی ہے. یہ خبتی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے، تو دھڑکا لگایا کہ محلے میں بات مت کر. امی میں نے کہا نا، برساتی مینڈک ہے، جیسے ابھرتے ہیں ویسے غائب بھی ہو جاتے ہیں، دفع ہو جائے گا. رشتے والی کو کیسے ڈرا دھمکا کہ اس نے روک دیا؟ مجھے تو آگے بھی اس کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں. امی میری نیند نہ بھگائیں،
इस डर को भगाए बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़किया, कैसे पहुंच गया अनस? अरे इतनी बारिश हो रही थी। हेलो ज़किया, क्या हुआ ज़किया? मेरी बात तो सुनो, क्या कह रही हो तुम? अरे ठंडे दिमाग से सोच के बोलो कि क्या बात कर रही हो ज़किया। मगर मेरी बात से क्या हुआ? अनमोल, विशाल, अम्मी हुआ क्या है? आखिर किसका फोन था? ज़किया का फोन था। ज़किया आंटी का? क्या अनस तो ठीक है ना? विशाल और अनस की मंगनी तोड़ दी उसने। एक नहीं सुनी मेरी, बस बोलती चली गई और मेरी मासूम बच्ची के किरदार पर वो इल्जाम लगाए, कहने लगी कि दिमाग खराब हो गया क्या उनका? सब तेरी खबासत की वजह से हुआ है। एक आंख नहीं भाता था तुझे, उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं की तूने। बता क्या किया है उसके साथ, बल्कि क्या-क्या किया उसके साथ तूने? अम्मी आप क्यों बरस रही हैं इस पर, इसका क्या कसूर है? सही तो कह रही हूँ, जब यहाँ से वो गया है तो चंगा भला था, कुछ भी नहीं था उसे। अगर इसने कुछ किया होता तो यहाँ से जाते हुए भी भला चंगा ना होता। यही तो कह रही थी ज़किया कि रस्ते में उसे गुंडों ने घेर लिया, उसे डराया, धमकाया, मारा और कहा कि इस घर की तरफ नजर उठा के बिना देखे, क्योंकि क्या? क्योंकि वो कह रही थी कि मिशाल का किसी और के साथ चक्कर है और इसके आशिक ने उसे डराया, धमकाया और कहा है कि खबरदार जो तुमने यहाँ शादी की। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम, अभी मैं सच कह रही हूँ। मैं जानती हूँ मिशाल, और मैं ये भी समझ गई हूँ कि हरकत किसकी है। घटिया हरकत की तवक्को नहीं की थी मैंने, और यही मेरी गलती थी। किसकी? अनस की बात कर रही है तू? उसकी, जिसने अनस से घटिया हरकत करवाई है। आप प्लीज इसे डांटना बंद करें अम्मी, सारी गलती आपकी है। आप ही ने मना किया था अनस को मोहित नाम की बला के बारे में कुछ भी बताने से। अगर उसे इस किस्से का मालूम होता तो वो फौरन समझ जाता ना कि असल बात क्या है। ये मोहित, या अल्लाह, ये हमारे पीछे क्यों पड़ गया हाथ धोके? खुदाया, उसने बताया भी था साफ साफ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी।